बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फ़िश फ्राई की जो है रेसिपी, बहुत ज़बरदस्त बहुत टेस्टी सी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम इसे इमली के पल्प के साथ जो है वो तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी सा फ्लेवर आता है इमली का। तो आइए हम अपनी रेसिपी को आपको बताते हैं कि कैसे बनाएँगे। जी हमने हमारे पास 3 किलो फिश थी, इसे हमने जो है वो अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो अब इसमें जो है हमने जो 2 पैकेट जो होते हैं फ़िश फ्राई वाले मसाले वाले जो, वो हमने ऐड कर दिए हैं। और इस मसाले को अच्छी तरह से इसे लगा के हम छोड़ेंगे इसे 2 से 3 घंटे। आप इसे चाहें तो ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, फिर और भी ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट जो है वो बनेगा। तो आइए हम अपनी रेसिपी को बनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मसाला जो है हमने लगा दिया है, तो इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है ताकि सबको जो है वो अच्छी तरह से मसाला जो है वो लग जाए, तमाम फिश की जो बोटी हैं उनको। लहसुन जो है हमने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जो है भर कर जो है वो लहसुन जो है वो इसे मोटा मोटा हमने कूट लिया है। तो ये इमली जो है इसे भिगो के रखा हुआ था कुछ टाइम के लिए, फिर इसे जो है हमने अच्छी तरह से मैश करके इसका पल्प जो है वो रेडी कर लेना है। इसकी गुठलियाँ जो है हमने निकाल देनी है। अब इमली का जो पल्प है इसमें जो है वो लहसुन जो कुटा हुआ है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून है, ये हमने इसमें ऐड कर देना है। और इसे मिक्स करके फिर हमने जो है वो फिश पे लगाएंगे। यहाँ पे हमने फिश लहसुन और जो इमली का पल्प है इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसे 1 पाव जो है बेसन हम इसमें लगाएंगे। बेसन को अच्छी तरह से छान लीजिएगा। जब हमने बेसन जो है 1 पाव बेसन तकरीबन 3 किलो फिश है इसमें हमने 1 पाव बेसन जो है वो लगा देना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बेसन के साथ जो फिश जो है बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार सी तैयार होती है। अपने इसकी मिक्सिंग जो है वो अच्छे तरीके से करनी है। अब हम इसमें जो है लहसुन जो इमली का पल्प है ये डाल के तो इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये तो फ्रेंड्स हमने जो है इसको मसाला लगा के रख देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। आप लोगों ने हमारी वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखना है। बहुत टेस्टी सी ये मज़ेदार सी हमारी इमली वाली फिश जो है वो रेडी होगी।